नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। आजकल धर्म परिवर्तन या फिर रिलीजियस कन्वर्जन्स रोकने के लिए नए कानून लाने की होड़ जैसी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने एक ऐसा प्रपोजल पास कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में तो एक दशक से भी ज्यादा से ये लॉ बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है। दीज लॉज फीड इनटू अ लॉन्ग स्टैंडिंग हिंदू एंग्जाइटी रिगार्डिंग the existence of an Islamist conspiracy to reduce Hindus into a minority in India. नए कानून प्रकट रूप से लव जिहाद का इस्लामी षड्यंत्र को रोकने के लिए लाए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि केंद्र बार बार संसद में ये बोल चुकी है कि ना उनका कोई प्रपोजल है ऐसा एक कानून ऑल इंडिया बेसिस पे लाने का और ना ही लव जिहाद करके कोई क्राइम हमारे पीनल कोड्स में रिकॉग्नाइज्ड है। पिछले 40 वर्षों में धार्मिक रूपांतरण संघ परिवार के राजनीतिक नैरेटिव के केंद्र में रहा है। कहानी की शुरुआत फरवरी 1981 से शुरू होती है। उस समय एक राजनीतिक ताकत के रूप में संघ परिवार टोटली इनसिग्निफिकेंट था। जनता पार्टी के कोलैप्स के बाद भारतीय जनता पार्टी के गठन के भी सिर्फ एक साल भी नहीं पूरे हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी किसी भी सेक्टर में कोई खास प्रेजेंस नहीं था। हालांकि 1964 में आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद को लॉन्च किया था, लेकिन 15 साल में उनके किसी भी प्रोग्राम ने कोई खास इंपैक्ट नहीं किया था। कॉन्सिक्वेंटली द विश्व हिंदू परिषद वॉज रीलॉन्च्ड बाय द आरएसएस इन 1979। येट बाय 1981 देयर वॉज लिटिल क्लैरिटी ऑन टू what could be its passport to mass mobilization. ये सब जानते हैं कि इमरजेंसी के खिलाफ जो संघर्ष चला था उसमें आरएसएस ने प्रमुख रोल प्ले किया था। एक तरफ सरसंचालक बाला साहेब देवरस से क्लियरेंस के बाद इंदिरा गांधी के साथ बातचीत चल रही थी, वहीं दूसरे तरफ लोक संघर्ष समिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग गुट या फिर एफिलिएट्स उसमें प्रमुख रोल प्ले कर रहे थे। इमरजेंसी हटने के बाद जनसंघ जनता पार्टी में मर्ज हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। परिणाम स्वरूप 1977 से लेकर 1979 तक आरएसएस की राजनीतिक दबदबा काफी बनी रही, परंतु जनता पार्टी के इंटरनल राइवलरी के कारण सरकार नहीं चल पाई। अगस्त 1979 के बाद आरएसएस के इन्फ्लुएंस में एक ड्रामेटिक फॉल देखने को मिलता है। बाय 1980 व्हेन द बीजेपी वाज फॉर्म्ड द आरएसएस वाज बैक टू बीइंग व्हाट इट हैड बीन prior to 1974, that is an outcast political force. यहां तक कि बीजेपी ने भी आरएसएस से दूरी बना ली। नई पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद या फिर गांधीयन सोशलिज्म को अपनी विचारधारा घोषित की। इसके साथ ही बीजेपी ने आरएसएस के अन्य एफिलिएट्स के साथ जो समन्वय बैठकें होती थी उनमें भी शामिल होना बंद कर दिया। आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं में
किसी को भी आइडिया नहीं था कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इन परिस्थितियों में उन्हें 20th फरवरी 1981 की सुबह एक नाटकीय अवसर प्रदान हुआ। ये वो जमाना था जब ना तो टेलीविजन चैनल्स होते थे और ना ही सोशल मीडिया था। एज अ रिजल्ट इंडियंस वर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड इन अ रिमोट विलेज कॉल्ड मीनाक्षीपुरम इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु अ डे बिफोर दैट। दिस इवेंट विच हैपेंड इन मीनाक्षीपुरम हैज एच्ड द नेम ऑफ मीनाक्षीपुरम permanently in the annals of Indian political history. इस घटना से हिंदुओं में इनसिक्योरिटी की भावना बढ़ गई और आने वाले सालों में संघ परिवार ने इस इवेंट को continuously milk करती रही। ठीक 40 साल पहले मीनाक्षीपुरम में 19th फरवरी 1981 को लगभग 800 दलित संप्रदाय के लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। द रीजन फॉर देम टू कन्वर्ट वॉज डेकेड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। गांव में हरिजनों के लिए अलग पानी का कुआं था। साथ ही पास के एक गांव में 3 चाय की दुकानें थी। उनमें से एक का मालिक मुसलमान था। हरिजनों को केवल उस दुकान में चाय खरीद के पीने की अनुमति थी। अन्य 2 दुकानों में जिनके मालिक एक मूपनाथ संप्रदाय के थे और दूसरे थेवर थे, वो वहां पे अलाउड नहीं थे। अ स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट हैज आल्सो एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट फ्रॉम द डिस्कशंस विद कन्वर्टेड शेड्यूल कास्ट इट वाज ऑब्वियस दैट अ लॉन्ग स्टैंडिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन based on untouchability and indifference of Hindu society at large towards them was the major cause for their conversion. अगले कुछ महीनों में mass conversions के कई और incidents सामने आए आसपास के इलाकों में। Exact अनुमान तो नहीं है, परंतु 1988 की एक पुस्तक Conversions to Islam Untouchable Strategy for Protests in India. इसके हिसाब से this number can vary completely from 2000 to 20,000. ऐसा लगने लगा था कि सदियों से repressed भावना ने रिलीज पाई है। सरकार और राजनीतिक दलों द्वारा उन कारणों की जांच करने का कोई प्रयास नहीं हुआ जिससे इन conversions को बढ़ावा मिला था। The first conversions in Meenakshipuram were by those who were better educated and relatively more affluent. For them, this route was a path to escape social ostracism. They were drawn to Islam because in their view, Islam was more egalitarian and free of caste. घटनाओं के जवाब में Several Hindu groups floated an unsubstantiated conspiracy theory. उनका दावा था कि इस साजिश में गल्फ मनी का इस्तेमाल किया गया था। A VHP team, after a visit to the village, claimed that the temptation for financial gain and assurance of protection from police appeared to be the main reasons for conversions in Tamil Nadu. The RSS promptly tried reconverting these former Harijans, back to Hinduism, but did not meet with much success. Alag-alag English or Hindi ke newspapers mein bhi bahut unsubstantiated or without evidence reports or stories chapne lage. Even the Union Home Ministry claimed that the conversions were not a one-time affair, but that they had been going on for a long time. In unconfirmed reports ne RSS ko ek opening di. H.B. Seshadri, jo us samay bhi Sangh Parivar ke
काफी प्रमुख नेता थे। बाद में चल के वे सरकार्यवाह या जनरल सेक्रेटरी बने। उन्होंने ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल लिखा। सीताराम गोयल जो एक सो कॉल्ड इतिहासकार थे, उन्होंने भी ऑर्गेनाइजर में एक 6-पार्ट आर्टिकल लिखा, हिंदूज अंडर सीज। शेषाद्री ने अपने आर्टिकल में कहा कि इस्लामी प्लान, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा that the plan is to convert 10 crores of Harijans to Islam. The plan is to see that the Muslim percentage becomes sufficiently high to carve out independent Islamic states in Bharat and finally to Islamize Bharat. Sangh ke Akhil Bharatiya Karyakarini Mandal ne bhi kuch aisi hi baat kahi. 1981 mein एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें कहा गया कि मुस्लिम प्रोलेटाइजर्स हैड गिवन द ल्योर ऑफ सो कॉल्ड इक्वालिटी इन इस्लाम, दे प्रॉमिस्ड सिक्योरिटी इन द मुस्लिम फोल्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फेवरेटिज्म एंड डैंगलिंग द ल्यूक्रेटिव जॉब्स इन ऑयल रिच मुस्लिम कंट्रीज। अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल ने नेशन वाइड एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की भी मांग की। 14 जुलाई 1981 में विश्व हिंदू परिषद ने मीनाक्षीपुरम में एक हिंदू सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। एट दिस कॉन्फ्रेंस द असेंबल्ड हिंदू सेंट्स सेड दैट द वेदास एंड द शास्त्रास हैड इन नो वे mentioned untouchability and allowed it in any form. 27 July 1981 mein second Hindu Solidarity Conference Ramanathapuram mein organized kiya gaya. Meenakshipuram ki ghatnaon ne RSS ko Hindu samay Meenakshipuram ki ghatnaon ne RSS ko Hindu samaj ko मजबूत करने का और मुसलमानों और ईसाइयों को कलंकित करने का एक अवसर दिया। धार्मिक कन्वर्जन्स के खिलाफ संघ परिवार का अभियान में तेजी के साथ साथ हिंदुस्तान भर में सांप्रदायिक दंगों के घटनाओं में भी वृद्धि हुई। सोशल साइंटिस्ट आशुतोष वाष्णेय ने 1950 से लेके 1995 तक का जो 45 years का पीरियड है, उसमें सांप्रदायिक वायलेंस को प्लॉट किया है। 1980 के दशक में उन्होंने पाया, खास तौर से शुरुआत के सालों में एकदम से इस वायलेंस में स्पाइक हुआ। 1980 का दशक वो दशक था जब धर्म चुनावी राजनीति और स्टेट क्राफ्ट में प्रमुख फैक्टर के रूप में सामने आए। इंदिरा गांधी ने भी उभरते हुए राजनीतिक हिंदू या फिर जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल हिंदू, उस पर भी नजर रखी। वन ऑफ हर कॉन्फिडेंट्स करण सिंह बिगैन वर्किंग टू विन ओवर द हिंदूज हु हैड मूव्ड ओवर टू द आरएसएस साइड। करण सिंह ने विराट हिंदू समाज नाम के एक संस्था की स्थापना की। उनके प्लान को विफल करके आरएसएस ने उसमें अपने सीनियर लोगों को इन्फिल्ट्रेट करा दिया। 1983 में अयोध्या में राम मंदिर के लिए आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन आरएसएस या फिर विश्व हिंदू परिषद शुरुआती दिनों में प्रखर रूप से इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। उनके हिसाब से हिंदू एकता को सॉलिडिफाई करने के लिए कुछ और प्रोग्राम्स करने की जरूरत थी। नवंबर 1983 में विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम एकात्मता यात्रा विराट हिंदू समाज के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। यात्रा के दौरान गंगा और भारत माता को ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिविनिटी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया।
मीनाक्षीपुरम कन्वर्जन्स के बाद से संघ परिवार को दिशा मिल गई और वे अभी भी उसी पथ पर चल रहे हैं। 40 साल बीत गए हैं, हिंदू विक्टिमहुड की थियरी अभी भी चल रही है। कॉमन एलिमेंट एक ही है, द अदरिंग ऑफ इंडियन रिलीजियस माइनॉरिटीज। वे हमारे नहीं हैं, यही कहा जाता है। नमस्कार, ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद।